नमस्कार सभी कर्मचारियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, जैसा कि हमें सबको याद है कि 29 मार्च 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान किया जाए। तो जी दोस्तों, इसी सर्कुलर में जो आदेश दिया गया था, तो उसके अगेंस्ट में कुछ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी और कहा था कि गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसके हिसाब से लॉकडाउन के दौरान कंपनियां बंद है और ऐसे में कर्मचारियों को पूरा वेतन कहां से दे। तो जी दोस्तों, इन्हीं याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बड़ा फैसला सुनाया गया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो फैसला सुनाया गया है, तो इससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट है, तो इसको अभी हम डिटेल में जानते हैं, पर हमेशा की तरह आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कर्मचारियों के लिए ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन में पूरा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक लगाई, कहा किसी कंपनी पर नो हो केस। तो जी दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बड़ा फैसला यहां पर कंपनियों के हित में सुनाया गया है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो फैसला दिया गया है, तो इसकी कुछ विशेषताएं यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद ये जो डिटेल अपडेट है तो उसे हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में आर्थिक नुकसान से जूझ रहे निजी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूरे भारत में किसी भी ऐसी कंपनी पर केस नहीं करने का कहा है जो पूरा वेतन नहीं दे पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए कर्मचारियों को फुल पेमेंट का निर्देश दिया था। तो जी दोस्तों, यहां पर ये जो कुछ हाईलाइट है, तो उसे अभी हमने जाना। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि शीर्ष अदालत ने औद्योगिक इकाइयों की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। ध्यान रहे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2020 को एक सर्कुलर के जरिए निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान सभी कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मांगी पेमेंट पर फैसला लेने की छूट। तो जी दोस्तों, इस याचिकाकर्ताओं ने पेमेंट का फैसला लेने की छूट भी मांगी है। औद्योगिक इकाई यह दावा करते हुए अदालत चली गई कि उनके पास भुगतान करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान संगठनों को उनके कार्यबल को पेमेंट करने से पूरी तरह से छूट देनी चाहिए। याचिका मुंबई के एक कपड़ा फर्म और 41 छोटे पैमाने के संगठन एक पंजाब आधारित समूह की ओर से दायर की गई थी। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद का हवाला भी इस याचिका में दिया गया था। याचिका में गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 ऑफ 2 ऑफ 1 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। पंजाब स्थित लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन ने दावा किया कि आपदा प्रबंधन 2005 के तहत 29 मार्च को दिया गया गृह मंत्रालय का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19 ऑफ 1, G, 265 और 300 का उल्लंघन है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इन याचिकाकर्ताओं ने ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला दिया गया है और इससे जो है वो कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, तो इसके ऊपर सरकार द्वारा जो जवाब दिया जाएगा, तो उसके बेसिस पर हमें अगला जो अपडेट है तो वो पता चलेगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट कर्मचारियों के लिए निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो अपडेट कर्मचारियों के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है, तो इसके ऊपर आपकी जो भी राय बनती है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पर आप जरूर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी कर्मचारियों को पता चल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।